वंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग भाग तीन से 15 अप्रैल सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। एक माँ ने अपने अभाव की बात कही। श्री ठाकुर ने कहा, स्वयं संग्रह कर लेना ही अच्छा है, उससे योग्यता बढ़ती है। माँ ने कहा, यदि मैं मांगूँ तो देगा कौन? मैंने मांग कर देखा है, कोई भी देना नहीं चाहता है। श्री ठाकुर जी बोले, उसका अर्थ है कि तुमने मनुष्य के लिए कुछ नहीं किया है। मांगने का तरीका भी जानना चाहिए। इस प्रकार मांगना चाहिए जिससे कोई कुछ देकर आनंदित हो और बल पाए। यों ही तो मनुष्य कितना दुख झेल रहा है, और उस पर यदि और तुम्हारे मांगने का तरीका उसे भराक्रांत कर दे तो वह कैसे लाभवान होगा। देखती नहीं हो कि मैं किस तरह से मांगता हूँ? जब मैं किसी से मांग बैठता हूँ तो साधारणतः सोचता हूँ कि वह मेरी मांग की पूर्ति करने की चेष्टा करने में वह कितना आगे बढ़े। मैं सिर्फ अपना काम बनाने की बात नहीं सोचता हूँ, बल्कि जिससे मैं जो कुछ भी मांगता हूँ उसकी सुख सुविधा की बातों पर भी सोचा करता हूँ। तुम अपनी शक्ति के अनुसार वास्तव में काम करती रहोगी, तभी देखोगी कि मनुष्य को तुम्हें देने में आग्रह होगा। यदि स्वार्थ पर ही बनना चाहती हो तो सबसे बढ़कर दूसरों का स्वार्थ देखोगी। मैंने तुम्हें मूल बात कह दी है। फिर भी माँ रुपए के लिए बैठी रही। श्री ठाकुर ने वीरेंद्र दामित्र को बुलाकर कहा, ओ वीरेन, क्या मुझे 15 रुपए दोगे? वीरेंद्र दा बोले, कब? श्री ठाकुर दृष्टि फेरते हुए, कब पुनः क्या, यह तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चट लेते आओ। वीरेंद्र दा हंसते हुए चले गए। श्री ठाकुर माँ की ओर देखकर बोले, मैंने उससे मांगा और सुनने के साथ ही साथ उसके चेहरे पर जो मुस्कान छा गई वही मेरा लाभ है। उक्त माँ बोली, हम लोगों से ऐसा संभव नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोले, पाने की तरकीब तो मैंने बता दी है, जैसा करोगी वैसा पाओगी। जब मेरे सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है तो आपसे आप मन कह उठता है, तुम अपनी दुनिया की सब कुछ को लेकर बचते बढ़ते रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, उन्नति लाभ करो। जो ही मन में ऐसी भावनाएं जग उठती हैं त्यों ही आँख कान जीव हाथ पांव सुरसुराने लगते हैं कि किस प्रकार से उसके लिए किया जाए। चिंता के अनुसार काम नहीं करने पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए काम करने हेतु कभी किसी को पकड़ता हूँ और उसके लिए उससे कहता हूँ, इसी बीच तो मैं पड़ा हूँ। सरोजनी माँ से बोले, तंबाकू दो तो देखूँ। सरोजनी, भाई एवं माताओं में अनेक उपस्थित हुए हैं। इसी बीच शरद दा, हालदार बंकिम दा, राय किरण दा, मुखोपाध्याय ब्रजेंद्र दा, चट्टोपाध्याय आदि आए। इंडस्ट्रियल मूव औद्योगिक आंदोलन के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, इंडस्ट्री उद्योग के लिए कतिपय क्वालिफिकेशन गुण चाहिए। स्वस्तैनी में वही क्वालिफिकेशन गुण एक्वायर्ड अर्जित होते हैं, वही हैबिट अभ्यास फॉर्म्ड गठित होती है। जैसे मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, कर्म प्रबोधी और बोध प्रवाही स्नायु की संगति, यदि ये सब नहीं रहे, अच्छी चिंताओं के अनुसार काम करने का अभ्यास यदि नहीं रहे तो कितने चांस सुयोग नष्ट होते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। उद्योग व्यवसाय वाणिज्य यहाँ तक कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई क्यों न बड़ा हो, उसमें ये गुण रहना ही चाहिए। इन अभ्यासों को परिपक्व कर लेना ही शिक्षा है। यदि कोई स्वस्तैनी की कतिपय विधियों को व्यवहार में लाए तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता। शरदा बोले, ठाकुर हम इंडस्ट्रियल मूव उद्योग प्रसार की चेष्टा लेंगे तो सही, किंतु हमारे आश्रम के सभी इंडस्ट्री उद्योग क्या सक्सेसफुल सफल हुए हैं? श्री ठाकुर जी बोले, मैंने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षा प्रतिष्ठान के रूप में उन सब की प्रतिष्ठा की है। मैं यह जानता हूँ कि इसके जरिए अनेक व्यक्ति एजुकेटेड शिक्षित होंगे ही। इन्हें अर्थकारी कैसे बनाया जाए यह भी मैं जानता हूँ, किंतु मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के सारे प्रतिष्ठान ही मानो मानवकारी अर्थात चरित्रकारी हों, जिसे कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग चरित्र निर्माणकारी कहा जा सकता है, ऐसा ही प्रतिष्ठान बने। किंतु मनुष्य यदि मनुष्य होता है
तो और कुछ भी बनने में देर नहीं होगी। वैसा मनुष्य बनने के मूल में है इष्ट स्वार्थी, योग्यता और आत्मनियंत्रण। इंडस्ट्रियल इंस्टिंक्ट, औद्योगिक सहजात संस्कार रहने पर ही जो सभी व्यक्ति यहाँ आकर सफल होंगे, ऐसी बात नहीं। कारण अनेकों हैं जो व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से दायित्व ले सकते हैं। रुपए, मनुष्य, वस्तुएं, बाजार इत्यादि के साथ संबंध स्थापित कर व्यवसायी संगठन को ठोस बना सकते हैं। एक शब्द में, इनिशिएटिव, उपक्रमण से लेकर स्वयं एड़ी से चोटी तक पसीना बहाकर एवं दूसरे को मेहनत कराते हुए प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट, लाभजनक परिचालना कर सकते हैं। किंतु यदि उसे कह दें, ठाकुर की ओर देखते हुए सत्संग के लिए तुम्हें करना है, उद्योग खड़ा करना है, पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कोई प्रत्याशा नहीं रखना है, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष सहित यदि तुम्हें आधे पेट खा कर रहना पड़े तो उसके लिए तुम्हें प्रस्तुत रहना पड़ेगा, तो देखेंगी कि उस समय उसका और वैसा उत्साह नहीं रहेगा। पुनः यहाँ काम काज करने में नाना तरह का इंटरफ्रेंस, हस्तक्षेप है, एडवर्स क्रिटिसिज्म, विरूप समालोचना है और अनड्यू इंसल्ट, असमीचीन अपमान है। अनेकों ऐसे हैं जिन्हें रुपए के प्रति उतना लोभ नहीं है, किंतु वे इगोइस्टिक, अहंकारी हैं। उन्हें उसे इग्नोर, उपेक्षा कर या मैनिपुलेट, नियंत्रण कर काम करने की क्षमता नहीं रहती है, जिसके फलस्वरूप सफल नहीं हो सकते हैं। असली बात यह है कि हमारे यहाँ दक्ष व्यक्ति की कमी है। यहाँ इंडस्ट्री, उद्योग इत्यादि के मामले में वे ही सफल हो सकते हैं जो दक्ष और आउट एंड आउट फॉर द आइडियल, पूर्ण रूप से आदर्श के लिए हैं। सारांश यह है कि सन्यासी बनना पड़ेगा। कोई प्रवृत्ति या प्रत्याशा उन्हें बहका नहीं सके, ऐसा बनना चाहिए। आत्मस्वार्थ से भी योग्यता की बिल्कुल पूछ नहीं है, ऐसी बात नहीं, पर उस योग्यता से देश को बड़ा लाभ नहीं। आज जरूरत है इष्ट स्वार्थ सेवी योग्यता और उसके अनुसार आत्मनियंत्रण भी। आप लोगों के प्रतिष्ठानों में यदि ऐसे ढंग के मनुष्य आवें तो देखेंगे कि कैसे सबको जगा डालते हैं। वे सिर्फ वस्तु और अर्थ ही पैदा नहीं करेंगे, बल्कि को वर्कर, लोगों को मनुष्य बना छोड़ेंगे। आप लोगों के यहाँ का तरीका भी ऐसा है कि हर क्षण में मनुष्य यह बोध करने को बाध्य होता है कि उसे अर्थ स्वार्थी बनना नहीं है, बल्कि इष्ट स्वार्थी बनना है, मनुष्य स्वार्थी बनना है। इस परिवेश में पढ़कर मजबूर होकर भी कतिपय मनुष्य पथ पर आ जाएं तो भी लाभ है। शरदा बोले, बाध्य होकर पथ पर आने का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह नौकरी करता है एवं वहाँ जो उसे वेतन मिलता है उससे उसका गुजर अच्छी तरह चल जाता है, वह उस पर ही निर्भर कर परिवेश के विषय में बहुत कुछ उदासीन होकर चल सकता है। यद्यपि जीवन की आवश्यकताओं के हित परिवेश के साथ योगायोग बनाए रखना आवश्यक है, किंतु आपके अर्थनैतिक परिवर्तन को मिटाने के लिए यदि परिवेश के ऊपर निर्भर करना पड़े तो कम से कम उसके लिए उनकी ओर बाध्य होकर दृष्टि रखेंगे और उनके लिए करेंगे। इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार बाध्य होकर करते रहने से अभ्यास बन जाता है। जब ऐसा स्वभाव बन जाता है तो वही अच्छा है। जहाँ कोई प्रत्याशा रखकर काम किया जाता है वहाँ दीनता का भाव रहता है, इसलिए अपने अभ्यास को परिवेश के लिए बदलना होगा। अर्थात परिवेश के लिए कुछ करने का अभ्यास सर्वदा बना रहना चाहिए। मुझे अलाउंस, भत्ता इत्यादि देने की इच्छा नहीं थी। मैं सोचता था मनुष्य मनुष्य के बल पर खड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पर डिपेंडेंट, निर्भरशील हो, एक विराट फैमिली परिवार की तरह इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भरशील होकर रहे। प्रत्येक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र भाव से जितना संभव हो सके उतनी ही मनुष्य की सेवा करे। किंतु अलाउंस सिस्टम, भत्ता प्रथा होने के फलस्वरूप मेरी कल्पना बहुत कुछ बर्बाद हो गई। फिर भी बीच बीच में आप लोगों से किसी न किसी काम के लिए मांग बैठता हूँ और आप लोगों को भी मनुष्य से भिक्षा मांगकर मुझे देना पड़ता है। यह मेरे लिए एक भरोसा की बात है। इसमें कम से कम परिवेश के साथ संपर्क बनाए रखने का प्रयोजन माथे में रहता है। जब ही मनुष्य इष्ट को भुला बैठता है, परिवेश को भुला बैठता है, उसका डिटोरिएशन, अधः पतन आरंभ हो जाता है। बाहर से एक आगत भाई ने कहा, स्वस्थैनी के साथ उद्योग एवं व्यवसाय वाणिज्य के संपर्क की बात को मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ,
क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो स्वस्थैनी पालन नहीं करते, फिर भी उन सब धंधों में बहुत तरक्की कर रहे हैं, किंतु जो स्वस्थैनी करते हैं वे व्यवसाय में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, स्वस्थैनी करने का अर्थ मैं यह समझता हूँ कि उन नीतियों का अच्छी तरह पालन करते हुए चलना, उन्हें चरित्र में मूर्त कर देना। जैसे कोई व्यवसायी मामूली कठिनाई में पड़ने पर अपने मूल धन में हाथ लगाना आरंभ कर दे तो उसका वह व्यवसाय नहीं टिकेगा। इसलिए ऐसे एक अभ्यास को बनाए रखने की आवश्यकता है कि चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, किसी भी तरह मूल धन में हाथ न लगाएंगे। जो सही रूप में स्वस्थैनी करते हैं उनका अभ्यास ठोस हो जाता है। वे जानते हैं कि स्वस्थैनी के अर्थ में हाथ नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे वे रुपए बर्बाद हो जाएं। जब ऐसा संकल्प दृढ़ हो जाता है तो स्वस्थैनी सिद्ध हो जाती है। स्वस्थैनी में है पारिपार्श्विक की सेवा अनुसंधिता। उसके द्वारा उनके प्रयोजन की पूर्ति के विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। इससे नई नई भावना होती है। सेवा बुद्धि रहने से मनुष्य याजन जैत्र हो जाता है। व्यवसायिकों के विज्ञापन और याजन, इन दो में बहुत फर्क है। याजन के जरिए मनुष्य अपना बन जाते हैं और दिन ब दिन बुद्धि भी खुलती है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की बुद्धि प्रबल रहती है, इसलिए वह पारिपार्श्विक के द्वारा विभ्रांत नहीं होता है, प्रत्युत सबों को मोल्ड नियंत्रण कर अपना एसेट संपदा बना सकता है। ऐसा व्यक्ति मास्टर ऑफ सिचुएशन, अवस्था का मालिक बन जाता है। यदि मनुष्य का यह प्रभुत्व परिस्थिति पर कायम न हो तो विशेष विपरीत अवस्था में अपने को संभाल नहीं पाता है। गतानुगतिक अवस्था में वह चल सकता है, किंतु इमरजेंसी संकट काल में दिशाहारा हो जाता है। इसलिए स्वस्थैनी किसी व्यक्ति के चरित्र में मूर्त होता है तो उद्योग वाणिज्य व्यवसाय में उसके लिए उन्नति प्राप्त करना स्वाभाविक हो जाता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 217 से 222 तक। जय गुरु।